नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने वीडियो के लिए लिया है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हर दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में अगर हम देखें, जो हमने अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की थी, उसमें सबसे पहले हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात की थी या कुछ बेसिक नीड्स की हम बात किया करते थे, जिसमें एक सबसे बड़ी नीड हुआ करती थी रोटी, कपड़ा और मकान। आज की जो टॉपिक है, हम मकान से जुड़ी हुई उस ऐसी न्यूज़ का विश्लेषण करने के लिए बना रहे हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, जिसका इंतज़ार आप लोगों ने बहुत टाइम से किया। और हाल ही में कल के दिन की अगर हम बात करें तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट वो होल्ड करती हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने एक बहुत बड़ा बूस्टर एक स्टेप उठाया, जिसमें एक चीज़ सामने आई, जिसमें एक AIF अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का गठन किया जाएगा, जो रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने में शायद मददगार साबित होने वाला है। और बहुत बड़ी चर्चा इस पर चल रही है कि क्या ये वाकई में इस सेक्टर को बूस्ट करा देगा, क्या ये वाकई में इस इकोनॉमी के लिए एक लाइफ ब्लड का काम कर सकता है, एक संजीवनी का काम कर सकता है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में AIF क्या है, इसमें क्या चीज़ दी जा रही है। इस वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस पर जो डिस्कशन हम करने वाले हैं, इससे आपको इस इकोनॉमी के जुड़े हुए स्टेप का पूरा अच्छे से विश्लेषण मिलने वाला है। दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कल की न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है कि 25,000 करोड़ रुपये, जी हाँ सही सुना, 25,000 करोड़ रुपए इस फंड में डाले जाएंगे, AIF अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इसका गठन किया गया है, जिसमें सरकार अपनी तरफ से 10,000 करोड़ रुपए डालेगी, LIC इसमें हिस्सेदार होगी और दूसरी जो तीसरी हिस्सेदारी रहेगी होगी SBI कैब की, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, SBI कैब आप जानते ही हैं। दोस्तों, इसका जो संचालन है वो SBI कैप के द्वारा ही किया जाएगा, SBI कैप ही इसको चलाएगी, उस वही इसकी देखरेख करेगी और उसी के संरक्षण में इसका गठन किया गया है, इसी की ऑपरेशंस जो है उसके हाथ में दी जाएंगी। दोस्तों, ये काम कैसे होगा, पहले ये समझने की बात है कि हमें क्या लग रहा है कि अगर 25,000 करोड़ रुपये जैसी सुना रियल एस्टेट के लिए, कमाल हो गया, मज़ा आ गया, लगता है ऐसा लगने लगा कि रातों रात सपना पूरा हो गया, मकान हमारे हाथ में आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। दोस्तों, हम पहले इस बात को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि ये न्यूज़ रियल एस्टेट के कौन से सेगमेंट से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। बहुत क्लैरिटी इसमें दी गई निर्मला सीतारमन जी के थ्रू, जिसमें कहा गया कि वो हाउस, वो मकान जो जिनकी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर वन, वो 70% प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, 30% के आसपास प्रोजेक्ट बचा हो तो चलेगा। दूसरा, अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे हो सकता है उस अफोर्डेबल हाउसिंग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस फ्लैट या उस हाउसिंग यूनिट जिसकी आप बात कर रहे हैं, हो सकता है उसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो, और नॉन मेट्रो सिटीज़ में उसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो एक ब्रैकेट का निर्धारण किया गया है कि 1 से 2 करोड़ के आसपास के जो यूनिट्स हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है। तो बिल्कुल भी 20 लाख 30 लाख 40 लाख की हम बात नहीं कर रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात ही नहीं हो रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग वो है जो हम और आप बिल्कुल सैलरी क्लास, एक छोटी सी तनख्वाह पाने वाला इंसान होम लोन लेने की कोशिश करता है, सोचता है शायद मकान मेरा होगा, सबका सपना घर हो अपना, ऐसा सोच के वो होम लोन लेने की कोशिश करता है, 20 लाख 30 लाख जो अफोर्ड कर पाता है। आज हुआ क्या, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने होम लोन लिया, मकान के लिए अप्लाई किया, बिल्डर्स ने उनको उनसे पैसा लिया और शायद उनकी पॉकेट से 90% पैसा जा चुका है। कुछ ऐसे बिल्डर्स ऐसे रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, समय समय पे चर्चा भी इसकी होती रहती है, ऐसे ऐसे बिल्डर्स भी हैं, क्लाइंट की जेब से पूरा का पूरा पैसा भी निकल चुका है, फिर भी मकान हाथ में नहीं आया है, घर फिर भी अपने हाथ में नहीं आया है। तो ऐसा हुआ, जब बहुत सारा ये सब धांधलेबाजी होने लगी, बहुत सारी न्यूसेंस होने लगी, तो सरकार ने देखा भाई इस तरफ कदम उठाना चाहिए, तो सरकार ने रेरा का गठन किया। रेरा एक ऐसा कानून था जिसके तहत बहुत क्लियर था कि आपका जो भी पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए आप उठा रहे हैं, उसका 70% पैसा, कम से कम 70 से 75% पैसा आपको उसी प्रोजेक्ट में लगाना है जिसके लिए आप पैसा उठा रहे हैं। पहले क्या करते थे बिल्डर, एक प्रोजेक्ट उठाया, प्रोजेक्ट नंबर ए, उसका पैसा उठाया, उसके बेसिस पे उसको आधा बनाया, अधूरा बनाया, उसी के बेस पे उसको बेच दिया, बेचने से जो पैसा आया दूसरा प्रोजेक्ट खड़ा किया, उसको फिर बेच दिया, उसकी मार्केटिंग हुई, तीसरा प्रोजेक्ट, करते करते 10 प्रोजेक्ट किसी बिल्डर के खड़े हुए। और ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि ना तो पहला प्रोजेक्ट पूरा हुआ, ना ही 10वां प्रोजेक्ट पूरा हुआ, कंपनी दिवालिया होने की कगार पे हुई। बहुत बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, यूनिटेक, पारसनाथ और ऐसे बहुत सारे लिस्ट में शामिल नाम है जिन्होंने प्रॉमिस तो किया था पर वो डिलीवर नहीं कर पाए। दोस्तों, क्या ये सभी के सभी वो हाउसिंग यूनिट्स इसमें कवर हो जाएंगी, क्या इस न्यूज़ में सभी हाउसिंग यूनिट्स बेनिफिटेड होंगी, क्या वो 25,000 करोड़ रुपए आज ही डाल दिए जाएंगे, नहीं, चलिए आगे समझते हैं इसको कैसे होगा। दोस्तों, एस्क्रो अकाउंट है AIF। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है,
जब हम इसको थोड़ा आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज कीजिए मैं और आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा पैसा आप डाल दें, थोड़ा पैसा मैं मिला दूँ एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे जैसे एक प्रोजेक्ट की स्टेज कंप्लीट होगी, हम उस एस्क्रो कॉमन अकाउंट के अंदर में पैसा पूल करेंगे, हम पैसा शेयर करेंगे। वो डिसिप्लिन हमारा होगा कि सपोज कीजिए एक वो प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का है, हम इनिशियल स्टेज में 2,000 करोड़ रुपये आप और मैं मिला रहे हैं, हमने 2,000 करोड़ रुपये उसमें डालेंगे। वो प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ का हो सकता है, पर इनिशियल जैसे जैसे स्टेज पूरी होगी, जैसे जैसे उसमें कंप्लीशन आएगी, वैसे वैसे पैसा उसमें से रिलीज होगा, वैसे ही उसमें पैसा भी पूल होगा। ऐसा नहीं है कि आज ही गवर्नमेंट सरकार ने बोला तो आज ही 10,000 करोड़ डाल दिए जाएंगे, LIC उसमें आज ही पैसा डाल देगी, स्टेट बैंक उसमें आज ही पैसा डाल देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा, एस्क्रो अकाउंट का काम है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उसमें पैसा डाला जा रहा है, जैसे जैसे स्टेजेस कंप्लीट होंगी वैसा वैसा पैसा उसमें डालेगा, वैसा वैसा डिलीवरी होगी, पैसा किसी को मिलने वाला नहीं है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। और दोस्तों एक और बहुत बड़ी चौंका देने वाली जो नंबर्स हैं, जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने लोन लिया है वो तो जानते हैं इस नंबर को, तो ये वो फिगर है जो आपको चौंका सकती है, 4.5 लाख यूनिट से ज़्यादा, 4.5 लाख, बिल्कुल हाँ सही सुना, 4.58 लाख यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब है वो मकान, वो फ्लैट जो आप लेना चाहते थे, जो घर आपका हो सकता था, वो अभी अधूरे हैं, 4.5 लाख। सोचिए इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में स्लो डाउन क्यों है, रियल एस्टेट सेक्टर का इकोनॉमी से क्या लेना देना, पहले ये समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए, फिर आपको शायद इसको समझने में और आसानी होगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा। इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा पैसा, बड़ी टिकट साइज जाती है मकान खरीदने के लिए, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। अब अगर आपको मकान मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, आप हाउसिंग लोन लेते हैं, बैंक आपको पैसा देता है। देखिए सिस्टम क्या कैसे काम करता है, क्लाइंट को मकान चाहिए, क्लाइंट अप्रोच करता है बैंक को, बैंक उसको पैसा देता है। अब उसी बैंक को क्लाइंट भी अप्रोच करता है जिसको मकान लेना है, उसी बैंक को एक बिल्डर भी अप्रोच करता है जिसको मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कंप्लीट करने के लिए पैसा चाहिए। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के 2 दावेदार हैं, एक मकान खरीदने वाला, एक मकान बनाने वाला। मकान बनाने वाला बिल्डर है, बिल्डर भी पैसा लेगा बैंक से और मकान खरीदने वाला भी बैंक से पैसा लेगा। अब होता क्या है, सिस्टम समझिए, बैंक लोन, हमने होम लोन अप्लाई किया बैंक के पास, बैंक के पास पहले ही बिल्डर ने पैसा उठाया हुआ है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब अगर मान लीजिए वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करता है तो जो इन्वेस्टर है जिसने वो मकान खरीदा है वो अपना पैसा रोक देगा, वो कहेगा भाई जब मुझे मकान मिल ही नहीं रहा, मेरी EMI जा चुकी है, 70% पैसा मैं दे चुका हूँ, 80% दे दिया, 90% दे दिया, मैं किस बात का पैसा दे रहा हूँ। तो लड़ने चला जाता है, वो बिल्डर को अप्रोच करता है, बॉस मेरा मकान दीजिए, मैं इतना पैसा दे चुका हूँ, आपका प्रॉमिस झूठा पड़ रहा है। जब ऐसा लगता है, एक इन्वेस्टर की नहीं सुनी जाती, दो की नहीं सुनी जाती, जब सबके सब इन्वेस्टर एक बिल्डर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं या उसको खटखटाने लगते हैं, कोर्ट के दरवाजे पहुंच जाते हैं कि हमारा मकान नहीं मिला, तो बिल्डर क्या करता है, अपना हाथ खड़ा कर देता है, कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। उसके पास उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने जो बड़ी मिस्टेक की थी, आपके पैसे से 10 प्रोजेक्ट खड़े कर दिए थे तो एक भी कंप्लीट करने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है। अब उसकी एक बड़ी मिस्टेक इतनी छोटी छोटी यूनिट्स को खराब कर रहा है। कस्टमर की कोई गलती नहीं है, कस्टमर ने कहा भी मुझे, मैंने आपको पैसा पूरा दिया, मुझे मेरी डिलीवरी चाहिए, उसको डिलीवरी नहीं मिलती, प्रोडक्ट नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, आप NCLT के पास जाएंगे, आप कोर्ट के दरवाजे पे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या आप ऐसी अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं जो उनको चैलेंज कर सकती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए रेरा का गठन किया गया था। रेरा कम से कम ये सुनिश्चित कर पा रहा है कि आज हर कोई बिल्डर बनने की लाइन में नहीं खड़ा है, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, उसको वो पैरामीटर्स को क्वालिफाई करना ही होगा, तभी वो रेरा के अंडर में आएगा, तभी वो बिल्डर बन सकता है। आज कोई प्रॉपर्टी डीलर भी अगर बनना चाहता है तो रेरा क्वालिफाइड होना चाहिए, रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब समझिए, कस्टमर ने पैसा डाला मकान लेने के लिए, मकान मिला नहीं क्योंकि बिल्डर ने एक मकान के पैसे से 10 मकान खड़े कर दिए, वो एक भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो ऐसी स्थिति में जो 4.5 लाख यूनिट का जो हुजूम खड़ा हो गया था, जो पहाड़ खड़ा हो गया था दोस्तों, पूरा पैसा उसमें स्टक हो गया, बहुत सारे बिल्डर दिवालिया हो गए, बहुत सारे NPAs खड़े हो गए, बहुत सारे लोगों ने NCLT के दरवाजे खटखटाए। अब यहाँ पे जो NPA और NCLT में शामिल हो चुके हैं वो बिल्डर भी एप्लीकेबल हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं यहाँ से फंड उठाने के लिए, बट वो होंगे जिनका 70%, कम से कम 70% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 30% को छुटपुट काम करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए पैसा चाहिए, उनको पैसा दिया जाएगा। 1 से 2 करोड़ की यूनिट होगी, बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है, आप समझ लीजिए। और विशेषज्ञों का ये भी कहना है दोस्तों कि इस पॉलिसी के तहत मात्र 50 से 60 हज़ार यूनिट्स ही तैयार होने वाली हैं, बाकी 4 लाख यूनिट्स का तो भगवान भरोसे अभी भी।
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका मकान का सपना पूरा होने वाला है, तो मुझे उसमें संदेह है, मुझे उसमें शक है। आप अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा इसमें क्या चल रहा है। मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी और मेरी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बड़ी मेट्रो सिटीज़ में कोई मकान हुआ हमारा, और मकान के लिए हम मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, होम लोन उठाते हैं, बैंक की सुनते हैं, घर वालों की सुनते हैं, बड़ी मुश्किल से दौर गुजरता है दोस्तों। और ये पैसा जिसके पास पहुंचता है वो हमें हमारा प्रोडक्ट भी नहीं देता है। तो क्या ये 4.5 लाख यूनिट बनके तैयार होंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस मात्र 25,000 करोड़ पैसे में बहुत छोटी सी अमाउंट कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेगमेंट है। हाँ, अगर पूरे ओवरऑल सेगमेंट की हम बात करें, 4.5 लाख यूनिट्स को तैयार करने के लिए एक बड़ा फंड आता है और उसके लिए कोई हरी झंडी मिलती है, तो डेफिनेटली बेशक इकॉनमी में सुधार आएगा, इकॉनमी में सर्कल होगा, इकॉनमी में पैसा होगा, सर्कुलेशन आएगी, इकॉनमी में पैसा आएगा, बैंक के पास पैसा जाएगा, बैंक उस पैसे को वापस से ब्याज पर चढ़ाएगा, कस्टमर फिर से लोन लेगा, होम लोन सस्ते होंगे, माल मिलेगा, डिलीवरी होगी, मनी का एक्सचेंजेस हुआ। जब पैसा हाथ एक्सचेंज करता है, कहते हैं व्हेन मनी एक्सचेंजेस हैंड्स देन द सर्कुलेशन बिगन्स, और यही इकोनॉमी का आधार है। उसको उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम की होगी, और शायद आप समझ पाएंगे कि ये 25,000 करोड़ रुपये AIF के आपके कितने काम के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।